तो नए वर्ष की शुरुआत हो चुकी है और जो ये 2024 है भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वर्ष जहां एक तरफ कई बड़ी डिफेंस डील साइन हो सकती है तो वहीं इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विस में कई सारे मेजर इंडक्शंस भी हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के एपिसोड में हम बात करते हैं टॉप 5 मेजर इंडक्शंस की जो कि 2024 में इंडियन आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनेंगे। तो स्वागत है आप सभी डिफेंस लवर्स का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक और बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो इस वर्ष के टॉप 5 इंडक्शंस में सबसे पहला नाम है हमारा अपना प्यारा सा LCA तेजस, जिसका अभी तक का सबसे एडवांस वेरिएंट जिसे हम कहते हैं LCA तेजस मार्क 1 है, तो ये इस वर्ष इंडियन एयरफोर्स की सर्विस का हिस्सा बनेगा। LCA तेजस मार्क 1 फाइटर्स की जो डिलीवरी है वो फरवरी के महीने से स्टार्ट करने के लिए शेड्यूल की गई है और तेजस फाइटर्स के इस एडवांस वेरिएंट के साथ जो पहली स्क्वाड्रन होगी तो पाकिस्तान के साथ लगी सीमा के पास राजस्थान के बीकानेर में नल एयरबेस पर डिप्लॉय की जाएगी और जो LCA तेजस मार्क 1 फाइटर्स हैं वो पुराने हो रहे MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट की जगह लेने वाले हैं। बाकी LCA तेजस मार्क 1 में 65% से अधिक स्वदेशी कंटेंट का इस्तेमाल किया गया है और जबकि इसकी एडिशनल 97 और यूनिट्स को खरीदने के लिए DAC की तरफ से क्लीयरेंस ऑलरेडी मिल चुका है और LCA तेजस मार्क 1 में इसके पहले वाले वेरियंट यानी कि मार्क 1 की तुलना में करीब 40 से भी अधिक इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं जिसमें एडवांस एवियोनिक सिस्टम्स भी इंक्लूड हैं। और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि तेजस मार्क 1 इंडियन एयरफोर्स के सर्विस में शामिल होकर भारत के एयर पावर को एडवांस करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और LCA तेजस मार्क 1 के बाद अब इस लिस्ट में दूसरा नाम है वक्शीर का, जो कि कलवरी क्लास की छठी और आखिरी सबमरीन है, जबकि इससे पहले की 5 सबमरीन्स INS कलवरी, INS खंडेरी, INS क्रंच, INS वेला और INS वगीर ये ऑलरेडी इंडियन नेवी की फ्लीट का हिस्सा बन चुकी हैं। बाकी रही बात वक्शीर की, तो इस सबमरीन की जो समुद्री परीक्षण है उसे इंडियन नेवी द्वारा पिछले साल 2023 में ही शुरू कर दिया गया था और ये सबमरीन इस साल मार्च या अप्रैल के महीने तक इंडियन नेवी की फ्लीट में कमीशन होने के लिए तैयार है। और बाकी इस क्लास के अन्य सबमरीन की तरह ही ये भी एक एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन होगी जो कि बेहद ही घातक फायर पावर के साथ भी आएगी और ये सबमरीन अपने प्रिसिशन गाइडेड वेपन्स के साथ अपने दुश्मन पर एक बेहद ही घातक हमला करने में सक्षम होगी। और आपको बता दें कि सबमरीन का जो नाम रखा गया वक्शीर, तो ये इंडियन ओशन में पाए जाने वाली एक सैंड फिश के टाइप पर रखा गया है। अब बढ़ते हमारे तीसरे नाम की तरफ जो कि है भारत और रशिया के जॉइंट वेंचर इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड यानी कि IRRPL में बन रही AK-203 असॉल्ट राइफल्स। और इसको हमने इस लिस्ट में शामिल इसलिए किया है क्योंकि पिछले साल ऑफिशियल्स की तरफ से कंफर्म किया गया था कि भारत में जो AK-203 राइफल्स बन रही हैं तो उसके पहले बैच की टेस्टिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और इसलिए भारत में बनी AK-203 असॉल्ट राइफल्स का जो पहला बैच होगा तो वो इसी वर्ष इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विस में इंडक्ट किया जा सकता है। हालांकि इस पहले बैच में कितनी राइफल्स रहने वाली हैं तो उसकी कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। और बाकी अगर आपको AK-203 के बारे में डिटेल में जानना है तो ऑलरेडी इस पर एक वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अब इस लिस्ट में जो चौथा नाम हम रखने जा रहे हैं वो एक ऐसा नाम है जिसे हमने 2019 वाली वीडियो में भी रखा था, 2021 वाली वीडियो में भी रखा था और एक बार फिर से 2024 वाली वीडियो में भी रख रहे हैं और इस बार उम्मीद करेंगे कि आखिरकार कि ये नाम 2025 वाली वीडियो में ना रहे। और नाम है ATAGS एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, वही आर्टिलरी सिस्टम जिसके पता नहीं कितने ट्रायल्स अभी तक हो चुके हैं लेकिन एक बड़ा इंडक्शन अभी तक देखने को नहीं मिला है। लेकिन इस बार इसकी उम्मीद ज़्यादा लग रही है क्योंकि पिछले साल 2023 में ही रक्षा मंत्रालय की तरफ से 307 ATAGS के खरीद वाले प्रस्ताव को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी गई है और इस आर्टिलरी सिस्टम को दो इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ मैन्युफैक्चर किया जा रहा है जिसमें से एक है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और दूसरी है भारत फोर्ज लिमिटेड। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग में जो दो प्राइवेट कंपनीज शामिल हैं तो उन कंपनीज का डिलीवरी के मामले में पास रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि अगर कोई और किसी तरह की बाधा नहीं आई या कोई और विचार नहीं बदले तो इस वर्ष के अंत तक ATAGS की यूनिट्स इंडियन आर्मी की सर्विस में इंडक्ट की जाएंगी। और अब इस लिस्ट में पांचवा नाम है इंडियन आर्मी के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स का, जिनकी डिलीवरी फरवरी मार्च के महीने से शुरू होनी है और लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मी के जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स होंगे तो उन्हें ऑपरेशंस के लिए जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में खास तौर पर डिप्लॉय किया जाएगा और इंडियन आर्मी को टोटल 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स मिलने हैं। लेकिन निकट भविष्य में इसकी कुछ और एडिशनल यूनिट्स के लिए ऑर्डर्स भी प्लेस किए जा सकते हैं। और बाकी ये तो आप सभी जानते होंगे कि इंडियन एयरफोर्स के सर्विस में ऑलरेडी 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं जिन्हें वेस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर्स में डिप्लॉय किया गया है और अगर आर्मी के भी 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स को इंक्लूड कर लिया जाए तो जल्द ही इंडियन आर्म फोर्सेस के पास टोटल 28 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हो जाएंगे। और बाकी आर्मी के अपाचे हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करने के लिए 50 से अधिक पायलट्स और टेक्नीशियंस को ऑलरेडी अमेरिकन फैसिलिटीज में ट्रेनिंग दी गई है और इसलिए ऑफिशियल्स का ये कहना है कि हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी होते ही बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में आर्मी के अपाचे हेलीकॉप्टर्स की जो फ्लीट है वो ऑपरेशनलाइज हो जाएगी। तो ये थे इस वर्ष के टॉप 5 मेजर इंडक्शंस
और इनमें से आपको किसके इंडक्शन का सबसे ज्यादा इंतजार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही मिले। और अब तो YouTube भी शायद टाइम पे नोटिफिकेशन भेज ही देता है, तो इसलिए बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।